Greetings and welcome to another video of the Hindu vocab series. My name is Prashant Dhawan. So, without wasting a single moment because time is of the essence, let us begin. देखिए आज है Sunday special तो मैंने क्या किया है कि SSC CGL mains में जो words इस बार आए हैं 2016 के mains में वो हम discuss करेंगे पहले साथ में MCQ भी करेंगे उनसे related. So it's going to be a very fruitful video for all of you. अगर आप India से नहीं हैं तो एस एस सी एक अपर मीडियम लेवल का एग्ज़ाम माना जाता है काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है क्रैक करना उसका डिफ़िकल्टी लेवल ठीक ठाक ही होता है सो so, पहला वर्ड है फिकल फ़िकल देखिए एक एडजेक्टिव है किसी की विशेषता बताने के लिए आप इसको इस्तेमाल करेंगे फ़िकल माइंडेड आपने शायद कभी टी वी सुना हो किसी टी सीरीज़ वगैरह में काफ़ी यूज़ करते हैं ही इज़ अ वेरी फिकल माइंडेड पर्सन मतलब काफ़ी कैप्रेशियस आदमी है मतलब उसका जो ओपिनियन है जो उसका जो माइंडसेट है वो स्थिर नहीं रहता अस्थिर होता है कभी उसको कुछ पसंद आएगा कभी कुछ और पसंद आएगा कभी नीले रंग की ड्रेस पसंद आएगी कभी पीले रंग की ड्रेस पसंद आएगी तो वी कैन से अ फिकल माइंडेड पर्सन इज़ ऑल्सो चेंजेबल वेरिएबल वॉलोटाइल सा आदमी होता है ठीक है अस्थिर होता है हिंदी में हम कह सकते हैं तो दो सेंटेंसेस आपके सामने द पब्लिक इज़ नॉट ओनली फिकल बट हैज़ ए वेरी शॉर्ट अटेंशन स्पैन जनता के बारे में लोग कहते हैं कि एक तो बहुत ही वॉलेटाइल माइंडसेट होता है आज एक आदमी उनको जो बुरा लगता है उसने खराब काम किया है अगले दिन मूवी में उस वो हीरो बना होता है एक्टिंग कर रहा होता है लोग उसको पसंद करना स्टार्ट कर देते हैं तो पब्लिक मेमोरी बहुत ही शॉर्ट होती है और ओवरऑल पब्लिक को कहा जाता है कि बड़ी फिक्कल होती है वो उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो इट इज़ हार्ड टू गो शॉपिंग विद माई फ्रेंड एज शी इज़ वेरी फिकल माइंडेड तो ऑफकोर्स किसी फिकल माइंडेड आदमी के साथ आप अगर आप शॉपिंग करने जाएंगे तो यू आर गोइंग टू हैव अ हार्ड टाइम काफ़ी मुश्किल टाइम आपका भी देगा क्योंकि दैट पर्सन विल नॉट बी सेटिसफाइड विद एनीथिंग कभी एक चीज़ देखेगी कभी दूसरी चीज़ देखेगी सो so टाइम काफ़ी वेस्ट होगा एंटोनिम क्या होगा फिकल का नहीं ऐसे नहीं एम सी से करते हैं ये देखिए एम सी क्यू डायरेक्टली लिया गया है एस एस सी सी जी एल दो हज़ार सोलह के मेन से यहाँ पे इन्होंने क्या पूछ लिया था फिकल वर्ड जो अभी हमने डिस्कस किया है उसका ऑपोजिट मतलब एंटोनिम आपको बताना है तो आपके सामने ऑप्शन हैं डिबिलिटेटिंग फर्म रिपल्सिव इसका आंसर मैं ही बताऊँगा आपको देखिए पहली बात तो यहाँ पर एक एक वर्ड देखते हैं रिपल्सिव का मतलब अभी हम डिस्कस करेंगे अगली स्लाइड में ठीक है डिबिलिटेटिंग होता है कोई किसी को वीक कर दे वीकनिंग कोई किसी को यू नो वीक कर रहा हो डिबिलिटेट कर रहा हो वीकन कर रहा हो तो ये तो हो नहीं सकता Yielding होता है जो मान जाए सामने वाले की बात ठीक है तो ये अगेन फिक्कल का ऑपोजिट तो हो नहीं सकता फर्म होता है जो आराम से हिले ना स्थिर कह सकते हो आप फर्म है आई फर्मली स्टैंड ऑन माई डिसीजन तो ये फिकल का है एंटोनिम ठीक है सो द आंसर इज दर्म बाकी रिपल्सिव को एक बार जरा देख लेते हैं इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड रिपल्सिव देखिए रिपल्सिव एक एडजेक्टिव है इसका अर्थ होता है अप्रिय डिस्गस्टिंग एबहॉरेंट एबहर अब्हौर से बनता है वर्ड एबहॉरेंट रिपेलेंट मतलब जिससे आपका दूर जाने को मन करे क्योंकि वो ऑफेंसिव है अप्रिय है घृणास्पद है तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेज हैं आई कैनॉट ईट दैट सैंडविच एज इट हैज़ सच अ रिपल्सिव स्मेल काफ़ी अप्रिय सी स्मेल है बुरी स्मेल है उसकी तो मैं सीधी सी बात है ये सैंडविच नहीं खा पाऊंगा आप ये भी कह सकते हो कि पीपल कंसिडर किम जोंग उन रिपल्सिव नॉट बिकॉज ऑफ हिज लुक्स बट हिज ईवल डीड्स तो किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के जो डिक्टेटर हैं लोग उनको डिस्गस्टिंग एबहरेंट यू you नो know, इसलिए नहीं मानते क्योंकि उनकी शक्ल ऐसी है शायद आप में से कुछ लोग हो गए सर क्या बात कर रहे हो इतने क्यूट से डिक्टेटर हैं बट ऐसी सेंटेंस बना रहा हो कि उनके जो काम है वो काफ़ी हद तक uh, डिस्कस्टिंग है टू कैरी कोल्स टू न्यू कैसल काफ़ी इंटरेस्टिंग एडियम है हम डिस्कस कर चुके हैं इस हिंदू वो कैब सीरीज़ में तो आपको बताना है कि इसका अर्थ क्या है टू डू समथिंग दैट इज इंड रिक्वायर टू अवेंज द डेथ ऑफ अ लव्ड वन टू साइलेंस ईपोजिशन या टू तो सुपर किर ओपोनेंट इन रसलमेरिया मीडिया ट्वेंटी फाइव सो so, प्लीज़ attempt दिस क्वेश्चन इन द comment बॉक्स बिलो देखिए अगला शब्द है यूलोजी 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 क्या होता है देखिए जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके मरने पर या वेल well, सिर्फ मरने पर नहीं जब रिटायर हो रहा हो तो अभी आप कह सकते हो जब कोई आदमी रिटायर हो रहा हो काम से या मर जाता है तो उस वक्त जो उस आदमी की प्रेज़ की जाती है जो उसकी प्रशंसा की जाती है उसको कहते हैं यूलोजी तो इसका हिंदी में मतलब हो गया प्रशंसा भाषण ठीक है तो यहाँ पर यह सेंटेंस है बहुत बढ़िया सेंटेंस है एक ही है पर बहुत बढ़िया सेंटेंस है इट्स वन ऑफ़ द ग्रेट ट्रेजिडीज ऑफ ह्यूमन लाइफ दैट वी टू सेव आर बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फॉर यूलोजीज एक ट्रेजिडी है ह्यूमन जिंदगी की के जो सबसे बढ़िया हमारी कॉम्प्लीमेंट्स होती है किसी के लिए प्रेज़ होती है वो हम तब तक के लिए बजा के रखते हैं जब तक कि वो आदमी गुजर नहीं जाता या फिर रिटायर नहीं जाता मतलब आपसे दूर नहीं हो जाता जब दूर हो रहा होता है वो आदमी तभी आप सबसे बढ़िया प्रेज उसके लिए करते हैं तो ये वर्ड मैं इसलिए भी कवर कर रहा हूँ क्योंकि 2016 सीजीएल मेंस में एसएससी सीजीएल मेंस में भी ये आया था और हाँ वो क्वेश्चन भी हम देखेंगे जहाँ पर ये आया था ओके तो आपको यहाँ पर बताना है कि यूलोजी का सिनोनिम क्या होगा अब जब हमने अच्छे से इसको डिस्कस कर लिया है तो आप बिल्कुल आराम से कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं सर दी आंसर इज़ ऑप्शन नंबर थ्री प्रेस मगर होमली क्या होता है ये भी देखना इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखो ये तो अब आ गया ना एक बार यूलोजी प्रेज अगली बार पता नहीं शायद एक दो साल बाद ही आएगा रिपीट अगले साल डायरेक्टली रिपीट तो करेंगे नहीं चांसेस कम है तो बाकी जो ऑप्शंस हैं उन पर नज़र डालना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या पता अगली बार इनका नंबर आ जाए अब ज़रा ऑप्शन नंबर फोर देखते हैं कि वॉट डज दैट इवन मीन हमली हमली नाउन है देखिए हमली होता है एक रिलीजियस एक लेक्चर सा जो ज़्यादातर आपकी स्पिरिचुअल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए हो तो आजकल आपको पता है टीवी पे बिकॉज ऑफ टीवी एंड इंटरनेट हम ऐसे बहुत सारे लेसन सुन पाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल सतगुरु जी का सुन पाते हैं और भी बहुत सारे बड़े गुरुज हैं जैसे श्री श्री रविशंकर जी ऐसे खूब सारे गुरुज़ हैं तो उनके हम स्पिरिचुअल जो उनके लेसनस हैं वो हम सुन पाते हैं तो वो क्या होता है वो दे वो बेसिकली एक धार्मिक उपदेश होता है होमली होती है ठीक है तो यहाँ पर सेंटेंस है किसी भी आप बड़े गुरु जी का नाम ले लीजिए हिज होमली इंस्पायर्ड मी टू हेल्प फीड द होमलेस इन माई कम्यूनिटी ठीक है तो आपको होमली और यूलोजी में अब फर्क आपको पता लग गया है ठीक है तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड्स क्योंकि जो लेवल है हमारे एग्जाम्स का इट हैज़ रिजन बहुत ऊपर हो चुका है एंड दे आर आस्किंग मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स वर्ड्स डेट मोस्ट पीपल आर नाट फेमिलियर विद सो ये वर्ड हम कोशिश करेंगे ऐसे वर्ड्स और कवर करें द नियर फ्यूचर विद दी एम सी क्यू देखिए अगला आपके लिए एम सी क्यू है आपको डेम्ब्योर का मतलब बताना है डिम्ब्योर एक ऐसा वर्ड है जो हम डिस्कस कर चुके हैं सीरीज़ में ठीक है तो आपको बताना है कि वट इज़ द मीनिंग ऑफ डिम्योर आपके सामने ऑप्शन है आउट गोइंग वोकल शाई एंग्री प्लीज़ डू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो आपको आंसर पी डी एफ फाइल में मिल जाएंगे जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी देखिए आगे हमारे पास एक ई है टू गेट ऑफ योर हाई हॉर्स हाई हॉर्स देखिए एक सिंबल होता है एरोगेंस का जो भी आप पुरानी जो पेंटिंग्स देखेंगे बहुत ही जो महान व्यक्ति हैं आप देखेंगे कि ज़्यादातर उनको पेंटर्स दिखाते हैं बहुत ही बड़े घोड़े पे वो बैठे होते हैं फॉर एग्जांपल नेपोलियन यहाँ पे बैठे हुए हैं एक हाई हॉर्स पे बैठे हुए हैं तो ये सिम्बलाइज करता है कि वो मॉरली बहुत राइट right हैं बहुत ग्रेट व्यक्ति हैं बहुत यू नो यूजल आदमी से कुछ काफ़ी स्तर ऊपर हैं तो टू गेट ऑफ योर हाई हॉर्स का मतलब होता है कि उस घोड़े से उस एरोगेंट ए, एक एरोगेंस का जो एक माइंडसेट होता है उससे उतरना तो इट मींस टू स्टॉप टॉकिंग एज इफ यू आर बेटर और मोर क्लेवर देन अदर पीपल तो ऐसे बात करना रोकना बंद करना कि जैसे आप बाकियों से ज़्यादा स्मार्ट हो उनसे बेहतर हो ठीक है तो ये भी आप कह सकते हो टू स्टॉप बिहेविंग एज इफ़ यू नो मोर और आर बेटर देन एवरी एल्स तो बेसिकली अपना सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स त्यागना ठीक है टू गेट ऑफ योर हाई हॉर्स तो यहाँ पे दो सेंटेंस है कि ट्रंप नेवर गॉट ऑफ हिज हाई हॉर्स टू कंसिडर हाउ डिसरिस्पेक्टफुल हिज स्टेटमेंट साउंड टू माइनॉरिटीज़ तो ट्रम्प कभी अपनी उस एरोगेंट माइंडसेट से बाहर ही नहीं निकले अपने हाई हॉर्स से कभी उतरे ही नहीं कि वो कंसिडर कर पाएंगे जो उनकी स्टेटमेंट्स होती है माइनॉरिटीज़ को कितनी डिसरिस्पेक्टफुल लगती है उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि आई वोंट डील विद यू अनटिल यू गेट ऑफ़ योर हाई हॉर्स मैं तब तक आपसे बात नहीं करूंगा या आपसे एंगेज नहीं करूँगा जब तक कि आप अपना एरोगेंट बिहेवियर जो आपका एक सुपियोटी कॉम्प्लेक्स है जो आप मानते हो कि आप दूसरों से बेहतर हैं जब तक कि आप वो त्यागते नहीं हो तब से तब तक मैं आपसे आपसे डील नहीं करूँगा या आपसे एंगेज नहीं करूँगा ठीक है सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डी डी एम एग्जामनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आई सजेस्ट कि आप इसको यहीं लिख लीजिएगा इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट टू गेट ऑफ योर हाई हॉर्स देखिए अगला वर्ड है फ्रेंटिक फ्रेंटिक एडजेक्टिव है इसका अर्थ होता है कि जब आप एजिटेटेड होते हो इमोशनली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो उत्तेजित हो जाते हो बहुत ज़्यादा फ्रेंजीड हिस्टोरिकल सब इसके सुनौने so में डिस्ट्रैक्टेड डिस्ट्रॉट एवरी थिंग कैन बी यूज तो द हिंदू में कह रहे हैं कि लास्ट वीक आई गॉट अ फ्रेंटिक कॉल मतलब फ्रेंटिक कॉल मतलब बिल्कुल ही एजिटेटेड आदमी बात कर रहा था बिल्कुल ऐसा शक्ल हो गई थी जब उसको फ़ोन कर रहा था तो कुछ सेंटेंसेस एक सेंटेंस है आपके लिए और साथ में एंटोनियम्स भी एस इसके हिज फ्रेंड्स वर हिज फ्रेंड हिज पेरेंट्स वर फ्रेंटिक विद वरी व्हेन ही वेंट मिसिंग वन डे तो जब एक दिन वो गायब हो गया ही वेंट मिसिंग तो जो पेरेंट्स हैं सबसे पहली बात है पेरेंट्स ही सबसे ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं जब उनके उनका जो उनका जो बेटा है या बेटी है वो गायब हो जाए तो uh, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंटिक विद वरी हो गए ठीक है उत्तेजित हो गए चिंता से और इसका एंटोनिम क्या होगा आप कह सकते हो इसका एंटोनिम हो सकता है काम बैलेंस कलेक्टेड हैप्पी नॉर्मल प्लीज सेन सेन उल्टा है उल्टा होता है इनसेन का इनसेन मतलब पागल सेन मतलब नॉर्मल ठीक है तो ये याद रखिएगा फ्रेंटिक इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट वर्ड एज वेल देखिए अगला शब्द है फॉयबल इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल वर्ड इसका अर्थ होता है एक फ्लॉ कमी एक शॉर्ट कमिंग कमजोरी भी कह सकते हैं ब्लमिश ब्लैमिश भी आपको पता है uh, एक आप कह सकते हो किस, किसी किसी की शक्ल में ब्लैमिश होती है कुछ एक एक भी एक आप कह सकते हो फ्लॉ होता है एक शक्ल में कुछ एक इम्परफेक्शन्स सी होती है तो ऑल दीज वर्ड्स ये सब सिनोनिम्स हैं फॉयबल के तो यहाँ पर दो सेंटेंसेज हैं इससे रिलेटेड एज ह्यूमन्स वी हैव न्यूमरस फॉयल्स अ वेरी शॉर्ट बट ब्यूटिफुल सेंटेंस के इंसानों के बहुत सारे कमजोरियाँ होती है वीक पॉइंट्स होती हैं बहुत फिजिकली एंड मेंटली उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि इन ऑर्डर टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टॉलोरेट ईच अदर्स फॉयल्स एक मजबूत रिलेशनशिप बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि एक दूसरे की कमियाँ कमजोरियाँ शॉर्ट कमिंग्स टॉलरेट की जाए इसका एंटोनिम क्या होगा ऑफकोर्स शॉर्ट कमिंग वीक पॉइंट फेलिंग का जो एक उल्टा होगा वो होगा एडवांटेज नॉर्मेलिटी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखिए अगला वर्ड है ये इसको देखिए ब्रिटिश एक्सेंट में बोलते हैं बोनाफाइडी और अमेरिकन सॉरी अमेरिकन एक्सेंट में बोलते हैं बोनाफाइड तो ये देखिए मेन हमको इसका मतलब हमको पता होना जरूरी है बाकी प्रोनंसिएशन आप ब्रिटिश कहेंगे तो वो ज़रा सही रहेगी अमेरिकन भी कह सकते हैं इट डजेंट रियली मैटर ऑल दैट मच तो देखिए इसका सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं बोनाफाइडी या बोनाफाइड का अर्थ होता है जेन्युन रियल ऑथेंटिक ठीक है एक्चुअल ऑथेंटिक चीज तो यहाँ पे द हिंदू में यूज कर रहे हैं कि अनलेस वन हैज ए बोनाफाइड रीजन टू एंटर एक जेनुअन रीजन हो एंटर करने का तो कुछ सेंटेंसेस हैं यहाँ पे कोहली हैज एस्टेब्लिश हिज पोजिशन एज ए बोनाफाइडी या बोनाफाइड सेलिब्रिटी इन इंडिया एक जेनुअन सेलिब्रिटी बन चुका है कोहली आप देख ही रहे होंगे खूब सारे एडवर्टीजमेंट्स करते हैं और ही इज़ अ वेरी फेमस मैन इन इंडिया नाउ उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो ही कंसिडर्स हिमसेल्फ अ बोनाफाइड आर्टिस्ट वेयर एज एवरी वन एल्स कंसिडर्स हिम अ न्यूसेंस वो अपने आप को एक आर्टिस्ट मानता है जबकि सब लोग बाकी लोग उसको एक न्यूसेंस मानते हैं और इसका एंटोनिम क्या होगा देखिए सीधी सी बात है जेनुअन रियल एक्चुअल का जो इसका एंटोनिम होगा वो होगा फेक काउंटर फेट फॉल्स बोगस ठीक है तो ऑल दीज आर दी ऑफ बोनाफाइड या बोनाफाइडी एंड फाइनली द टास्क ऑफ द डे तो आपको सेंटेंस बनाने हैं फाइबल पे बनाओ और साथ में फिक्कल या फिकल मैंडेड पे बनाओ और देखिए मैं संडे के दिन भी मेहनत करके आपके लिए इतनी बढ़िया वीडियो लेके आ रहा हूँ तो प्लीज कंसिडर लाइकिंग द वीडियो शेयरिंग द वीडियो विद योर फ्रेंड्स सर्कुलेट करिए आपके सर्कुलेशन में बहुत पावर है इट कैन हेल्प अस रीच अ वाइडर ऑडियंस एंड हेल्प अस एजुकेट दम एज वेल So, please consider this and also subscribe to our channel if you already haven't. Have a nice Sunday. Thank you for watching. I'll see you tomorrow.